नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तपलवीर जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी धर्मकांटे से रिलेटेड मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धर्मकांटा कराने का सही नियम क्या है, सही रूल क्या है और उसका सही तरीका क्या है। दोस्तों आपका धर्मकांटे से रिलेटेड कोई ना कोई काम बराबर लगा रहता है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको धान गेहूं गन्ना बराबर तुलवाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, कोई ना कोई काम लगा रहता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं फिर भी आपकी गाड़ियाँ धर्मकांटे पर जाती हैं गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट की, तो आपका काम धर्मकांटे से लगा रहता है। दोस्तों अगर आपको धर्मकांटा कराने का सही नियम नहीं पता है तो आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देख लें, वरना आप लोगों को दोस्तों दिक्कत हो सकती है। आप नुकसान भी अगर हो रहा है आपका वो भी आप सीख जाएंगे तो आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों धर्मकांटे पर गड़बड़ी करने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आप जो है शिक्षित हैं और आपको धर्मकांटे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है तो आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब पर धर्मकांटे से रिलेटेड इस तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। धर्मकांटे पर गाड़ी करा जो है वजन कराने का सही नियम क्या है। दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा फर्स्ट रूल क्या है। जैसे दोस्तों आपकी धर्मकांटे पर गाड़ी गई तो आपको जो है धर्मकांटे पर पहले तो आपको जाना है, देख लेना है कि आपके कंप्यूटर में जीरो है कि नहीं, या डिस्प्ले है उस पर जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको देख लेना है जीरो है। जीरो देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, धर्मकांटे के ऊपर गाड़ी चढ़वानी है। जब तक अगर जीरो ना हो तब तक आप गाड़ी ना चढ़वाएं, पहली बात तो ये हो गई। अगर जीरो होगा तो आपका वेट सही क्लियर बताएगा। उसके बाद दोस्तों धर्मकांटे पे गाड़ी चढ़वाने के बाद आपको देख लेना है कि आपके गाड़ी के अंदर जो है कोई ड्राइवर या कंडक्टर कोई बैठा हुआ तो नहीं है। अगर वो बैठा हुआ है या तो उससे आपका वेट ज़्यादा हो सकता है और खाली में वो उतर जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से देख लेनी है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि धर्मकांटा अगर बड़ा है तो आपको धर्मकांटे पे जो हर गाड़ी का नंबर पड़ा होता है कि 10 चक्की कहाँ पे खड़ी होगी, 12 चक्की कहाँ पे खड़ी होती है और 14 चक्की कहाँ पे खड़ी होती है, या 22 चक्की है तो कहाँ पे खड़ी होती है घोड़ा गाड़ी। तो दोस्तों हर गाड़ी का अलग अलग नंबर धर्मकांटे की प्लेट के ऊपर पड़ा होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी है वैसे ही उसमें नंबर पड़ा होता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर से आपको बात करनी है कि भाई साहब ये गाड़ी हमारी कहाँ पर खड़ी होगी, तो वो आपको बताएगा क्लियर बात कि धर्मकांटे पर आपकी गाड़ी इस जगह पर खड़ी होगी, तब जाके आपका वेट क्लियर बताएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटे पे अगर डिस्प्ले बड़ी है तो आपको उसका नंबर चेक कर लेना है। नंबर के हिसाब से अगर आप धर्मकांटे पे गाड़ी चढ़वाएंगे तो आपका वेट क्लियर बताएगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी।